ये बात है कोल्ड वार की समय, जब सेटेलाइटें उतनी एडवांस नहीं थी, तो रसिया ने एक ऐसे विमान का निर्माण करने की सोची जो कि इलाके में घुस करके रिकॉन्नेंस का काम कर सके। MiG-25 एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर फाइटर जेट को डेवलप किया जिसकी स्पीड टॉप स्पीड Mach 3 थी और इसका वेट जो था वो 20,000 किलोग्राम था। और दोस्तों MiG-25 को इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी सीक्रेट रखा हुआ था और इसके सभी स्क्वाड्रन को बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर तैनात कर रखा था। और इस जहाज से जुड़ा एक काफ़ी मज़ेदार किस्सा है, ये बात है 1997 की, जब इंडियन एयरफोर्स का MiG-25 करीब 20,000 मीटर ऊपर से पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश किया था और उसने कुछ इस्लामाबाद के कुछ सामरिक ठिकानों की तस्वीरें लेते हुए जब वहां से जब वापस आ रहा था तो इसने अपनी रफ्तार सबसोनिक से सुपरसोनिक बढ़ा दी। और जब जैसे ही ये इतनी स्पीड अपनी बढ़ाई तो वहां पर एक सोनिक बूम जनरेट हुआ जिससे लोग कहते हैं कि वहां पर घरों के कांच के शीशे तक टूट गए थे। और इस जब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स इसका कुछ पता लगा पाती तब तक ये इंडियन एयरफोर्स का MiG-25 इंडियन एयर स्पेस में आ चुका था। यह मिशन काफ़ी गोपनीय था, फिर भी लोगों के बीच में यह सवाल पैदा हुआ कि आखिरकार MiG-25 इस्लामाबाद के काफ़ी आबादी वाले एरिया में आने पर क्यों इसने सबसोनिक से अपनी विमान की रफ्तार सुपरसोनिक बढ़ा दी और लोगों को पता चलने दिया। तो इसके पीछे एक ये लॉजिक लोग लगाते हैं कि भारतीय एयरफोर्स ये दिखाना चाहती थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसी कोई विमान नहीं है जो कि MiG-25 का टक्कर दे सके, शायद इसीलिए विमान के पायलट ने सबसोनिक से सुपरसोनिक स्पीड बढ़ाई जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा सोनिक बूम पैदा हुआ। दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे इस MiG-25 को इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी सीक्रेटली रखा था। तो सबसे पहले 1981 में इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए इसको इंडिया लाया गया था रसिया से और इसको बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर लाया गया था। और इसको लाते वक्त डिसमेंटल यानी कि इसके सभी कलपुर्जे अलग अलग करके लाए गए थे ताकि किसी को पता न चले कि ये कौन सा फाइटर जेट है। और यहाँ पर लाने के बाद इसको पूरी तरीके से असेंबल किया गया और इस विमान को चलाने के लिए सिर्फ कुछ ही पायलट चला पाते हैं। और हमारे रिकॉर्ड से जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से इसको सिर्फ 42 पायलट ही उड़ा पाए हैं। और दोस्तों इस फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए उन्हीं पायलटों को लिया जाता था जो कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो। और दोस्तों इस फाइटर जेट्स को इतना ज़्यादा सीक्रेटली से रखा गया था कि इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा अधिकारियों को इस फाइटर जेट्स के बारे में पता ही नहीं था। और इसके टोटल नंबर्स की बात करें तो इंडिया ने रसिया से टोटल 10 फाइटर जेट्स खरीदे थे जिसमें से कि एक लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया था और एक रसियन पायलट से ही क्रैश हो गया था जिसके बदले रसिया ने ही एक और MiG-25 दिया और उसका पैसा भी नहीं लिया। और इनके बाकी बचे विमानों को बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर तैनात किया गया था। इस फाइटर जेट ने करीब 85,000 फीट की ऊंचाई तक हासिल किया था और इस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स अपने टॉप सीक्रेट मिशन में ही इसका इस्तेमाल करती है क्योंकि यह मिसाइल किसी भी हमले से अपने आप को बचा सकता था। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इसे कोई सरफेस टू एयर मिसाइल इसको मार कर नहीं गिरा सकती और ना ही कोई इसका फाइटर जेट इसको मार सकता था, तो इसीलिए इसको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता था। दोस्तों इस फाइटर जेट्स के आगे वाले पोर्शन पर एक कैमरे लगाने वाली एक जगह खाली होती है जिसमें कि एक कैमरा लगाया जाता है। उस कैमरे के ज़रिए ये दुश्मन के इलाके में घुस करके वहाँ की फ़ोटो ले सकता है और वहाँ उस इलाकों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। दोस्तों इस फाइटर जेट का एक वीडियो भी है जिसमें इसकी आवाज़ है, तो चलिए उस आवाज़ को सुनते हैं हम लोग।
सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर ऐसे ही मैं रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।